बदलते समय के साथ सरप्राइज देने की हमारी एक आदत भी बनती जा रही है, विशेषकर जब आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो और अपने शहर कभी अपने माँ बाप के पास या घर वालों के पास आते हैं तो आपकी यह इच्छा होती है कि चलो अचानक प्रकट होकर के मैं सरप्राइज दे दूंगा या सरप्राइज दे दूंगी। बहुत अच्छी बात है, अचानक आपको प्रकट हुआ देख करके लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार यही सरप्राइज गले की घंटी बन जाती है और दुखद हो जाती है। अभी कल ही उड़ीसा की घटना देखिए, उड़ीसा में कल दो गाड़ियां आपस में टकराई और तीसरी गाड़ी भी उसके चपेट में आ गई, अर्थात एक मालगाड़ी, एक दुरंतो एक्सप्रेस और साथ में कोरोमंडल एक्सप्रेस। और मुझे लगता है कि उड़ीसा राज्य में या वहां से होकर जाने वाले ट्रेन हादसों में यह अब तक की सबसे भीषण हादसे में गिनी जाएगी। विशेषकर तीन गाड़ियां एक साथ हैरानी की बात है और आश्चर्य की बात है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी चले होंगे जो घर वालों को सरप्राइज देने की सोचे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि चलो अचानक प्रकट होकर के मैं सबको अचंभित कर दूंगा, खुशी की लहरें दौड़ जाएंगी। कल टीवी में मैं देख रहा था, एक पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा था, न जाने कितने ऐसे सरप्राइज देने वाले लोग उस गाड़ी के चपेट में आकर अब इस दुनिया से कूच कर गए होंगे। यह दर्द उनके घर वालों को पता नहीं कितने दिन तक पता न चल पाए, क्योंकि सरप्राइज देने के लिए जब वहां से निकले होंगे तो सूचना किसी को दी नहीं होगी, और जब सूचना दी नहीं होगी तो घर वालों को क्या पता कि मेरा बेटा या जो मेरा रिश्तेदार है वह कहाँ है और क्यों है। बहुत दिनों बाद, डेढ़ साल, दो साल, छह महीना, साल भर, महीने बाद जब किसी को होश आएगा कि हाँ अरे इसका फोन नहीं आ रहा है, क्या बात है, लोग संपर्क करेंगे तो पता चला कि अरे। क्या लगता है आपको, इस प्रकार की सरप्राइज से कोई लाभ है? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैं लगभग हर महीने यात्रा करता रहता हूँ किसी न किसी नए शहर, किसी न किसी नए मुकाम पे, तो मुझे लगता है कि आप जब भी निकलें कम से कम किसी को तो बता दें। मान लीजिए आप अपने माता पिता या पत्नी या फिर भाई बहन को नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, किसी एक को अवश्य बता दें कि आप घर आ रहे हैं। कम से कम वह व्यक्ति आप यदि न पहुंच पाए तो आपकी खोज खबर ले करके और लोगों को बता सके। क्योंकि एक आंकड़ा देखा जाए तो इस ट्रेन हादसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर का आता पता किसी को नहीं होगा, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, और वो काफी दिनों तक गुमनाम भी रहेंगे या हो सकता है कि अंतरिक्ष में गुम हो गए। मुझे लगता है मेरी बात यदि अच्छी लगी तो गौर करिएगा और उसके अनुसार कार्य कीजिएगा।